लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बच्चों के लिए वो कभी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ उनको हम भेजेंगे। तो हम अपने बच्चों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और वो वेबसाइट पे भी पूरे कंटेंट्स को देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में बैठा हुआ बच्चा सीधे जुड़ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज हमारे चैनल विद्रोही आनंद में बात करने के लिए मौजूद हैं ई आचार्य के डायरेक्टर पीयूष मिश्रा जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बच्चों को किस तरह से अपने ई आचार्य एंड्रॉइड ऐप है इनका, कैसे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसा कि आपका ये ई आचार्य जो ऐप है, ये कैसे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराता है? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हमें देख रहे सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि विद्रोही अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है, तो उसके लिए पूरी टीम को और मनु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ eacharya.com। मैं अभी कोरोना टाइम पे हमने अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और एक वेबसाइट डेवलप की है, जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी माध्यम बच्चों को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री डाउट सेशंस एवं अन्य तमाम सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। सबसे पहले मैम, इस एप्लीकेशन की शुरुआत कोरोना काल के पहले लॉकडाउन में हुई थी, जब पूरी तरीके से सारे स्कूल्स बंद हो चुके थे, पूरा पढ़ाई का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सब बैठ चुका था। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी पूरी टीम ने इस एप्लीकेशंस का आइडिया डेवलप किया और हमने कंटेंट डेवलप करना अपना शुरू कर दिया। इसी 15 नवंबर को हमने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेबसाइट www.eacharya.com दोनों लॉन्च कर दिए हैं, जिस पे हमारे 9 to 12 तक के कंटेंट्स अवेलेबल हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमें ये बताते हुए गर्व के साथ खुशी भी हो रही है कि ये कंटेंट अभी मार्च तक के सभी बच्चों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकें और अपने साइन अप करने के साथ अपनी आईडी क्रिएट करके हमारी सारी क्लासेस, जो भी वो 9th, 10th, 11th, 12th जो भी वो ऑप्ट करते हैं, उसकी फ्री स्ट्रीमिंग, फ्री डाउट सेशन एंड फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री प्री बोर्ड्स डिस्कशन का लाभ उठा सकते हैं। सर, जैसा कि आपसे बच्चे जुड़ते हैं तो किस तरह से बच्चे आपसे जुड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? मैम, सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हमसे ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में बैठा हुआ बच्चा सीधे जुड़ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, डिजिटल पढ़ाई का ज़माना आ चुका है, तो बच्चे हमसे जुड़ने के लिए वो प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे ई आचार्य सर्च करें, वहाँ से उन्हें ई आचार्य का एप्लीकेशन दिखेगा, जिस पे इस समय मोर देन 1000 डाउनलोड्स एंड मोर देन 200 रिव्यूज़ दिखेंगे उन्हें। वो उसे इंस्टॉल कर लें, साइन अप करें अपने मोबाइल नंबर आईडी के साथ, उसमें उनको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। आईडी वो क्रिएट करेंगे, अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, देन उन्हें जो उनके कंटेंट होंगे, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या इनके सारे चैप्टर्स वाइज दिखेंगे, सारे लेक्चर्स किसी भी टाइम एक्सेसिबल हैं, वो बच्चे कभी भी देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और साथ ही साथ वो हमारे एप्लीकेशन में डाउट सेशन रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए बच्चा देख रहा है और हम वहाँ इस समय वो लाइव क्लास में हमको देख रहा है और उसके मन में ये डाउट आ गया कि सर ने ये क्वेश्चन किया तो कैसे किया, तो फिर हमें वो स्क्रीनशॉट वहाँ से ले, हमारे डाउट सेशन में जाए और वहाँ उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करे, कहे सर प्लीज़ मुझे इसे दोबारा से समझा दीजिए। हमारी एक्सपर्ट्स एंड टीम उसे विद इन 24 आवर कॉन्टैक्ट करेगी, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। और ये सुविधा अभी तक बहुत ही कम ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, अभी आपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी एंड्रॉयड यूज़ नहीं किया जाता है, नेट तक नहीं है, तो
इसके आपके मतलब कैसे शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? मैम इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.eacharya.com। आपका पहली बात तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, उसके लिए धन्यवाद। कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर वो इंस्टॉल नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो हमारी वो जो उनका 2G फ़ोन है उससे भी वो www.eacharya.com वेबसाइट पे सर्फ करें, वहाँ पे भी वो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपनी आईडी लॉगिन करेंगे और फिर वही चीज़ उन्हें एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अलावा वेबसाइट पे भी मिलेगी और वो वेबसाइट पे भी पूरे कंटेंट्स को देख सकते हैं, पूरे कंटेंट को अपने जब भी चाहें जिस सुविधा अनुसार चाहें वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ डाउट सेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, डाउट सेशन के साथ साथ प्री बोर्ड, जैसे हम आने वाले 15 या 20 दिनों में, जैसे हमारा पूरा कंटेंट अपलोड हो चुका है, आने वाले 15-20 दिनों में हम यूपी बोर्ड में बहुत कम ही ऐसी स्कूल्स हैं जो प्री बोर्ड बोर्ड से पहले का एक प्री बोर्ड लेती हैं, तो हम कह सकती हैं CBSE बोर्ड्स के स्कूल के तर्ज पे हम उन बच्चों के लिए प्री बोर्ड लेके आ रहे हैं। उसमें हम उनके प्री बोर्ड्स पेपर्स जो पिछले 10 सालों के पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन्हें कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन जो होती है ये अच्छे नंबरों के लिए बहुत बड़ी कला होती है, आपको कैसे वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना है इसके लिए आपको हम बताएंगे कि आप अगर ये 5 नंबर का प्रश्न है तो इसे किस तरीके से लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, साथ ही साथ आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आपको किस चैप्टर में कितना फोकस करना है, साथ ही साथ एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ उनको हम भेजेंगे। सर अभी अपने समय की बात, क्योंकि टाइमिंग जी। तो आपके यहाँ की सारे सब्जेक्ट की क्लास अलग अलग होते होंगे जी। तो उसकी टाइमिंग क्या है? मैम हमारा एक स्टूडियो है, उसमें सभी टीचर्स की ऑलरेडी टाइम डिसाइडेड है, वहाँ स्टूडियो में हमने कैमरा के साथ साथ बच्चे कैसे जुड़ते हैं, बच्चों के लिए वो कभी भी अवेलेबल है, वो जैसे कंटेंट अपलोड हो गया तो बच्चा जब चाहे, वो रात में 12 बजे चाहे तो 12 बजे भी वो कंटेंट उठा के देख सकता है, रात में 2 बजे चाहे 2 बजे भी देख सकता है, वो एक बार अगर हमारे एप्लीकेशन पे पब्लिश हो गया फिर वो पूरे टाइम के लिए बना रहेगा और उसे बच्चा जब भी चाहे, जब भी उसको मान लीजिए उसको 2 बजे पढ़ने का मन है तो वो 2 बजे भी हमारे कंटेंट को। तो सर कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करके रखा, मतलब कि इस टाइमिंग पे ये सब्जेक्ट अपलोड होगा, इस टाइमिंग पे ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं मैम ऐसा, ये जो टाइमिंग का क्राइटेरिया होता है ये लाइव क्लासेस में होती हैं, लाइव क्लासेस के लिए हमने लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं तो वो लेक्चर्स पहले वो देखेगा एंड लाइव क्लासेस के लिए टाइम उसको पहले, जैसे मान लीजिए हमने 10 साल के पेपर्स का डिस्कशन रखा है तो उसका नोटिफिकेशन बच्चों को 5 मिनट आधे घंटे पहले या एक दिन पहले उनको मिल जाता है, वो जैसे उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा वो तुरंत क्लिक करेंगे, तुरंत स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब स्टार्ट जब आपने किया या अभी तक क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए? मैम सच कहूँ तो सबसे पहले तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना, खास करके ऐसे क्षेत्र में जाना, हिंदी भाषा को चुनना एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि हमें जानते हैं कि हिंदी जो माध्यम है उसकी स्थिति क्या है और किस तरीके के छात्र उनसे जुड़े हुए हैं, उनके अनुरूप इस चीज़ को बनाना, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि उससे उन्हें हम जोड़ सकें, उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें, इन सब की एक प्लानिंग थी, चैलेंजेस थे, लेकिन कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम लोग बस अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, वो हम पहली ही साल में ऐसा रिजल्ट देंगे कि हमें फिर अगले आगे चल के वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे पास कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है बाकी कंपनियों की तरीके से, तो हम अपने बच्चों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम अपना बेस्ट देंगे और हम अपने बच्चों से भी यही आशा करते हैं कि वो अपना बेस्ट देंगे। बच्चे क्यों जुड़े आपसे, ई आचार्य की कुछ क्वालिटीज बताइए। मैम सबसे पहले तो मैं बच्चों से इसलिए जो अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आग्रह करूँगा, क्योंकि अभी 70%, जैसे हम लोगों का जो एक सर्वे है इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 70% हिंदी भाषा, मतलब सिटीज़ के स्कूल तो मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कोरोना टाइम पे पिछले 10 महीनों से, परंतु 70% ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मुहैया करा पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, 10th और 12th के एग्ज़ाम्स बिल्कुल निश्चित हैं कि होंगे, पेन पेपर टेस्ट होगा, तो इसलिए
वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हमसे जुड़े, साथ ही साथ हम उन्हें ऐसी एक उनके लिए एक ऐसी सुविधा लेके आ रहे हैं, पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स का डिस्कशन, प्री बोर्ड टाइप का टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, इस तरह की सेवा अभी तक बहुत ही कम ऐसे हिंदी भाषी स्कूल्स हैं जो उपलब्ध करा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में या हिंदी भाषी जो माध्यम स्कूल बच्चे होते हैं उनके बारे में सरकार भी बहुत कम सोचती है और बाकी कंपनियां भी कम सोचती हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से हम अपनी सेवा देने के लिए आए हैं, हम मार्केट में आए हैं तो हम अपनी सेवा के साथ साथ हम एक उनके एक बेहतर भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ई आचार्य के डायरेक्टर पीयूष मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि बच्चे इनसे इसलिए जुड़ें क्योंकि विश्वास के साथ एक आए हैं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। और जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो इनकी वेबसाइट पे जाके भी अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ मनु तिवारी, विद्रोही आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।